नमस्कार, मैं हूँ अर्जिता और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। यूपी में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। 2022 के लिए बेहद सक्रिय हो चुके राजनीतिक दल अब सूबे के 13% ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए उन्हें लुभाने और सम्मेलन करने में लग गए हैं। विपक्षी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने का कोई भी अवसर अब छोड़ना नहीं चाहती। बसपा की ओर से अयोध्या से शुरू हुए ब्राह्मण सम्मेलन की बात अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लेकर फ्रंट फुट पर आ गई है। इसको लेकर सपा ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए और जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाली है, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त को बलिया से होगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के 5 दिग्गज ब्राह्मण नेताओं के कंधों पर रखी है, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे, अभिषेक मिश्र, पूर्व विधायक सनातन पांडे और संतोष पांडे के नाम शामिल हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब जातियों को साधने में लगे हुए हैं। दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक के बाद अब पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोट पर है। एक ओर जहां बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया, तो वहीं बसपा ने ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने के लिए अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को लुभाने में जुट गई है। समाजवादी पार्टी 5 अगस्त से मंगल पांडे की धरती माने जाने वाले और छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र की जन्मभूमि बलिया से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। हालांकि सूबे में जातीय सम्मेलन पर रोक के कारण सपा ने भी इसको नया नाम दे दिया है। सूत्रों की माने तो इस सम्मेलन में पूर्वांचल सहित प्रदेश के ब्राह्मण नेताओं का जमावड़ा होगा और इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भी शिरकत करने की चर्चा है। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ब्राह्मण वोट बैंक के पीछे ही सभी राजनीतिक पार्टियां क्यों पड़ी हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी लगभग 13% है। हालांकि ब्राह्मण वोट बैंक कभी भी किसी एक पार्टी का बंधुआ वोट बैंक नहीं रहा, यानी समय के साथ अपनी सुविधा के अनुसार ये वोट बैंक पार्टी बदलता रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला करता था, उसके बाद 2007 में ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी में शिफ्ट हुआ और उसके बाद से ये वोट बैंक आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ऐसी बातें प्रसारित की जा रही हैं कि ब्राह्मण खुद को यूपी में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ ब्राह्मण नेता कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपकर यूपी में उनके समुदाय की उपेक्षा हो रही है। योगी के मुख्यमंत्री बनने से सूबे में राजपूतों का वर्चस्व ज्यादा हो गया है। ऊपर से बीते कुछ समय में कई ब्राह्मण माफियाओं के खिलाफ की गई कार्यवाहियों ने भी इस आग में घी डालने का काम किया है, चाहे वो विकास दुबे का एनकाउंटर हो या विजय मिश्रा के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। और दूसरी ओर ब्राह्मण समुदाय योगी सरकार पर आरोप लगाता रहा है कि ये सब कुछ इस समुदाय को टारगेट बनाकर किया जा रहा है। यही वजह है कि विपक्षी पार्टियों को लगता है कि ये 13% वोट बैंक अब इस स्थिति में है कि इसे अपनी ओर लाया जा सकता है। इसकी वजह से ही आप, सपा, बसपा और कांग्रेस इस वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोई भी कोशिश नहीं छोड़ना चाहती हैं। राजनीतिक पार्टियों का ब्राह्मण कार्ड 2022 विधानसभा चुनाव में कितना कारगर साबित होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन भाजपा पूरे जोर शोर से आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में लग गई है। भाजपा को भरोसा है कि उसके सुशासन और कानून व्यवस्था के राज पर जनता मुहर अवश्य लगाएगी और फिर से यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।